मूवी साम्राइज ऑफ सेकंड ओरिजिन। मान लो तुम्हारे साथ एक पार्टनर है और पूरी दुनिया पर कोई भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ इसी तरह है इस मूवी के अंदर। यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट को छोड़कर सारे लोग तबाह हो जाते हैं। फिर इन दोनों मिलकर दूसरी जनरेशन बनाने के प्रोसेस चालू करते हैं। तो फिर चलो यारो, इनके प्रोसेस को फिर जो की सबसे समझते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है। तो फिल्म की शुरुआत होती है इस लड़के से, इसका नाम है कल्लू। कल्लू एक गैरेज में ट्रैक्टर ठीक कर रहा होता है और बैकग्राउंड में न्यूज चल रहा होता है कि अब दुनिया में तबाही आने वाली है क्योंकि तापमान काफी बढ़ चुका है। तभी वहाँ मैकेनिक आ जाता है और रेडियो बंद करके कहता है ये सब न्यूज बकवास है, टीआरपी के लिए तो मीडिया वाले कुछ भी फैलाते हैं। फिर इस लड़की को दिखाता है, ये सोनम जोशी की फैन थी, इसे ब्लॉगिंग करने की कीड़ा चुपी हुई थी, इसका नाम डालनासा होता है। ये अपने पापा के पास जाती है, वो कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। डालनासा यहाँ पहुँचने के बाद ब्लॉगिंग करने लगती है, वो उसके पापा से पूछती है और वीडियो बनाने लगती है। उसके पापा कहते हैं हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, प्रकृति हमें पहले ही सूचना दे चुका है, इस दुनिया पर कुछ तो होने वाला है जो हम लोग के दिमाग से परे है। अब वो शहर आने लगती है। दरअसल डालनासा कल्लू की इंग्लिश टीचर होती है, वो कल्लू की माँ से उसकी पढ़ाई को लेकर तारीफ करती है। तभी बैक बेंचर वहाँ आ जाता है और कल्लू को कहकर छेड़ने लगते हैं। कल्लू की माँ येलो को भगा देती है। डालनासा भी अब वापस घर आ जाती है, वो देखती है उसके पापा पनवेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पनवेल पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। डालनासा उन्हें जाने से रोकती है और वो रिसर्च को पूरा करना चाहते थे इसलिए वो चले जाते हैं। डालनासा भी अब शहर के लिए निकल जाती है, वो घर पर टोड हो रही थी। इस तरफ बैकबेंचर कल्लू को पकड़ लेते हैं और पानी में फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ डालनासा आ पहुँचती है और इन्हें रोक लेती है, लेकिन ये कल्लू को पानी पर फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। अब डालनासा भी पानी पर कूद जाती है कल्लू को बचाने के लिए। कल्लू को तैरना नहीं आता था इसलिए वो काफी गहरे पर डूब जाता है। डालनासा भी उसको बचाने के लिए नीचे जाने लगती है। तभी भयंकर थंडरस्टॉर्म और बिजली कड़कती है जिन्हें लोग रेड स्टॉर्म कहते थे, जिसके कारण पूरी दुनिया की तबाही हो जाती है और सारे लोग की मौत हो जाता है। पर डालनासा और कल्लू पानी के काफी गहरे में होने के कारण वो दोनों बच जाते हैं। कल्लू बेहोश हो चुका था, डालनासा कल्लू को होश में लाती है। वो देखते हैं अब यहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं है, सारे ओर आग लगी हुई है। ये दोनों खुद को संभाल कर शहर की ओर आने लगते हैं। शहर आने पर ये देखते हैं सारा शहर खत्म हो चुका है, कोई इंसान भी नहीं है, सारे के सारे मर चुके हैं। कल्लू अपने घर की ओर जाता है जहाँ उसका माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है पर डालनासा रोक लेती है क्योंकि ये घर फटने वाला था और फट भी जाता है। इन्हें पता चल चुका था कि यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है, इसलिए डालनासा कल्लू को लेकर अपने पापा के रिसर्च सेंटर जाती है। कुछ समय बाद ये रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं और जरूरत की कुछ चीजें निकल लेते हैं। आज की रात ये यहीं पर सो जाते हैं क्योंकि ये काफी थक चुके थे। अगले सुबह डालनासा कल्लू को अपने घर ले आती है और उस तबाही से उसका घर भी टूट चुका था, इसलिए वो अपने फार्म हाउस आती है। यहाँ पर वो अपना फोन को सोलर चार्जर से चार्ज करती है और अपने पापा को फोन करने लगती है पर फोन नहीं लगता। वो लैपटॉप चेक करती है लेकिन ये लैपटॉप भी नहीं चल रहा था। कल्लू रेडियो ऑन करता है अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें पता चले, पर कोई फायदा नहीं था। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे, इसलिए ये दोनों पूरे शहर की ओर घूमने लगते हैं और लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सारा शहर पर तबाही के कारण कोई जिंदा नहीं बचा था। यहाँ पर सिर्फ डेड बॉडी पड़े हुए थे। कल्लू को पुलिस के कार पर एक गन मिल जाता है। डालनासा उसको उस गन से दूर रहने को कहती है और कहती है हम पनवेल के लिए निकल रहे हैं। फिर वो एक स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर स्कूटी स्टार्ट नहीं होता, इसलिए कल्लू स्कूटी को धक्के मारता है जिसके कारण वो अनकंट्रोल होकर गिर जाती है जिससे उसके पेट पर चोट लग जाती है। अब चोट लगने के कारण वो वापस अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं। डालनासा अपने घाव को साफ करती है, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए कल्लू दरवाजे को बंद करता है। अगले दिन डालनासा अपने पापा के रिसर्च बुक खोलकर देखने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके पापा सही थे। वो फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है। वो काफी दुखी थी। वो कहती है जब मैं पहले दुखी होती थी तो मेरे पापा और काफी सारे लोग मुझे मनाने आते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता, आज मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। इतना कहकर वो सो जाती है। उसकी जख्म अब फैल चुका था, वो उस जख्म के कारण बहुत बीमार हो गई है। डालनासा कहती है उसे एंटीबायोटिक की जरूरत है। तभी कल्लू दवाई लेने के लिए निकल जाता है। डालनासा उसे रोकती है और कहती है अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह ले आना, पर कल्लू चला जाता है क्योंकि यहाँ उसका डालनासा के अलावा कोई नहीं था। सुबह होते ही वो डालनासा को एंटीबायोटिक और घाव में दवा लगा देता है। फिर वो अपने घर की ओर देखने लगता है, उसे उसकी माँ की बहुत याद आती है। फिर वो उस गैरेज पर जाता है जहाँ ये एक ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरफ डालनासा की नींद खुल जाती है, उसकी घाव अब ठीक हो गई थी। कल्लू खुश हो जाता है और डालनासा
से गले लगाता है। डालासा कल्लू को उसके घाव देखने के लिए कहती है। कल्लू घाव को देखता है और कहता है, घाव तो ठीक हो चुका है पर निशान रह गया। डालासा कहती है, कोई नहीं, मुझे निशान और टैटू बहुत पसंद है। रात में वो फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उसके साथ जो भी चीज हो रहा है वो सब दिखाती है। उसे किसी भी हालत में पनवेल पहुंचना था। अगले सुबह जब कल्लू सोकर उठता है तो वहाँ डालासा नहीं होती। वो डालासा के बेड पर खून देखता है। उसे लगता है कि डालासा के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो साइकिल लेकर ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे डालासा मिल जाती है। वो पूछता है, क्या हुआ है तुमको? डालासा कहती है, कुछ भी तो नहीं। तभी कल्लू डालासा की थाई पर खून देख लेता है। डालासा कहती है, मेरा पीरियड चल रहा है। ये पीरियड क्या होता है इसके बारे में कल्लू को कुछ समझ नहीं था। तभी डालासा समझाती है कि हर लड़की के पीरियड होता है और हर महीने एक बार खून निकलता है, इसके कारण ही वो माँ बन पाती है। कल्लू कहता है, तो क्या तुम माँ बनना चाहती हो? डालासा बात को काट लेती है और पानी से खेलने लगती है। तभी कल्लू उसकी बूढ़ी को छूने की कोशिश करता है और डालासा मना कर देती है क्योंकि वो बच्चा था। अगले सुबह कल्लू गन चला रहा होता है। वो खिड़की के कांच पर फायर कर रहा होता है। डालासा गन फायर की आवाज सुन लेती है और दौड़ते हुए आकर फायर करने से मना करती है और पूछती है, तुम्हें ये गन कहाँ से मिला? कल्लू कहता है, मैंने पुलिस की कार से उठानी थी। डालासा गन को फेंकने के लिए कहती है पर कल्लू नहीं मानता। वो कहता है, यहाँ अब कोई नहीं है हम दोनों के अलावा और मुझे ही तुमको प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए मुझे गन चलाना सीखना होगा। इतना कहते हुए वो जाने लगता है। इसी तरह 3 महीना बीत जाता है। डालासा को एहसास हो चुका था कि अब पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरना होगा, इसलिए वो वेजिटेबल उगाने की किताब पढ़ती है और सब्जी वगैरह लगाती है। ये दोनों आपस में ही अक्सर मजाक मस्ती किया करते हैं। जो कुछ भी डालासा के साथ होता है वो फोन पर रिकॉर्ड कर लेती थी। इनका जिंदगी इसी तरह आराम से गुजरता है। अब कल्लू भी बड़ा और हैंडसम हो चुका था। उसका बॉडी भी काफी अट्रैक्टिव हो चुकी थी। डालासा अब उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लगती है और वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। कल्लू एक दिन गन प्रैक्टिस कर रहा होता है। अभी डालासा दौड़ कर आती है क्योंकि कल्लू फोन पर गोली चला रहा था, पर कल्लू खराब फोन के ऊपर गोली चला रहा होता है। डालासा के फोन तो सही सलामत थी। ये दोनों यहाँ पर फिर से एक बार करीब आ जाते हैं, पर कल्लू को इस एहसास के बारे में कुछ पता नहीं था। कल्लू अपनी दूरबीन से नजारा देख रहा होता है। तभी डालासा नहाने के लिए कपड़े उतारती है और नहाने लगती है। कल्लू प्रकृति की नजारे के साथ साथ ये नजारा भी देख लेता है और अजीब फीलिंग की महसूस करता है। डालासा नहाकर खाना बनाने लगती है। तभी कल्लू भी वहाँ आ जाता है। डालासा उसे आटा गूंदने सिखाती है, पर कल्लू भाई की इरादा तो कुछ अलग ही था। वो आटा गूंदते गूंदते डालासा को डस लेता है और भाग जाता है। डालासा भी मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी एक डसने वाला चाहिए था, जो उसे मिल गया है, वो भी काला नाग। कल्लू अब उसी ट्रैक्टर पर जाकर बैठ जाता है। आज रात बहुत बड़ी बारिश और तूफान होती है जिसके कारण उनके सारे पौधे बर्बाद होने लगता है, इसलिए डालासा उसे ढकने की कोशिश करती है पर कुछ फायदा नहीं था। तभी वहाँ कल्लू भाई भी आ जाता है और डालासा को मदद करता है। इस दौरान वो दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। सुबह ये दोनों पनवेल जाने के प्लान बनाते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। डालासा पास ही नदी के किनारे पर वीडियो बना रही होती है। तभी कल्लू उस ट्रैक्टर को ठीक करके ले आता है। डालासा इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कल्लू को गले से लगाती है। फिर ये दोनों अपने बोर्डिंग बिस्तर बांधकर पनवेल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते पर कल्लू ट्रैक्टर रोककर दूसरी गाड़ी से फ्यूल भरने लगता है और डालासा मेकअप करती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब रात हो चुकी थी, इसलिए आज की रात ये ट्रैक्टर पर ही सो जाते हैं। अगले सुबह वो पनवेल के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कल्लू काफी हॉर्न मारता है और वहाँ कोई भी नहीं था। डालासा अपने पापा को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता। वो अपने पापा को याद करने लगती है और काफी दुखी होती है। कल्लू उसे कहता है, तुम हिम्मत मत हारना, हम कोशिश करते रहेंगे। फिर ये दोनों एक घर के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और वो आवाज तो एक बुढ़िया से आ रही थी। वो देखते हैं कि पास में ही छोटे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अभी बाहर से कुछ आवाज आती है। कल्लू बंदूक तानते हुए बाहर जाता है और वहाँ तो उस बच्चे की माँ का कंकाल लटका हुआ था। अब दोनों वापस आते हैं। कल्लू एक स्टेडियम को देखता है जो बर्बाद हो चुका था। वो फुटबॉल निकलकर वहाँ खेलने लगता है। डालासा ऑडियंस बनके उसका चीयर करती है। तभी डालासा कहती है, तुम गोल करो, मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। फिर कल्लू बनाना शॉट मारकर गोल करता है और टी शर्ट सर पर लगाकर सेलिब्रेट करने लगता है। तभी डालासा उसकी बॉडी को देख के मूड में आने लगती है। उसकी फोन कब हाथ से गिरता है, कब ये दोनों करीब हो चुके हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। पर इस बार भी डालासा खुद पे काबू रखती है और फोन उठाकर चली जाती है। रात में दोनों साथ में बैठते हैं और दोनों चुपचाप थे। तभी डालासा बात को शुरू करती है। वो कहती है, मुझे पता है इस फीलिंग के बारे में, जब तुम छोटे थे तब भी मुझे पता था, इसलिए हम दोनों कितना भी कोशिश कर ले पर इस फीलिंग से हम भाग नहीं सकते। और दोनों किस करने लग जाते हैं। अब कल्लू भाई की नाक भी डसने के लिए तैयार हो जाता है और फिर 3-4 तरीका से ये दोनों ऊपर नीचे करते हैं, जो क्लिप में दिखा नहीं सकता, वरना कम्युनिटी गाइडलाइन वाले मुझे भी डस लेंगे। इसके बाद ये दोनों पहले से काफी खुश रहने लगते हैं और ये दोनों मिलकर समुद्र के किनारे पर एक घर बनाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाता है। एक दिन डालासा कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कल्लू बहुत खुश हो जाता है और डालासा को अपने बाहों में उठाकर घुमाने लगता है।
डालला साहब लाइब्रेरी जाती है और किताबें ले आती है जिससे वो जान सके कि डिलीवरी कैसे करते हैं और बच्चे को कैसे संभालते हैं। फिर वो पढ़ने लगती है। कल्लू इस तरफ बच्चे के लिए ढेर सारा खिलौने ले आता है। एक रन डालला साहब किताब पढ़ रही थी तभी उसकी पेट में दर्द होने लगता है। वो कल्लू को कहती है, मेरा लेवर पेन हो रहा है, लगता है डिलीवरी की वक्त आ गया है। तभी कल्लू उसे बेड पर ले आता है और डिलीवरी के लिए सारा चीज रेडी करता है। अब दोनों मिलकर काफी मशक्कत के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है। ये इसका नाम कल्लू दल रखते हैं। अब ये दोनों काफी खुश रहने लगे थे, ये हमेशा बच्चे के साथ ही रहते थे। एक दिन डालला साहब बच्चे को दूध पिला रही थी तभी वो एक सीप को देखती है। वो कल्लू को कहती है, पर कल्लू कहता है, रहने दो, हम तीनों ही काफी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन डालला साहब नहीं मानती, वो सोचती है शायद वो उनका पापा होगा। तभी समुद्र के किनारे एक इंसान पड़ा हुआ था, इसका नाम घोपला था, जिसे डालला साहब देख लेती है। वो दूर कर जाती है और वो उसके पापा नहीं थे, वो कोई अलग ही इंसान था। ये दोनों उसे ले आते हैं, उसे भी होश आ चुका था। घोपला कहता है, मैं सोचता था कि इस दुनिया पर सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ, पर मैं गलत था। मैं हर रोज अपने सिप पर बैठकर अलग अलग जगह जाया करता था ताकि कोई उस दवाई से बच गया हो तो उनसे मुलाकात हो जाए। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। डालला साहब उसे उनके साथ ही रहने के लिए कहती है, पर कल्लू को ये पसंद नहीं था। घोपला भी ये बात को समझ जाता है। जाते जाते घोपला उन दोनों से गले लगाना चाहता था। वो उन दोनों से गले लगाकर रोने लगता है। तभी ये दोनों उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। घोपला को प्रकृति और पेड़ पौधे के बारे में काफी ज्ञान था। वो कल्लू को बहुत कुछ सिखाता है। और जब वो डालला साहब के करीब होता है तब कल्लू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डालला साहब बच्चे को दूध पिला रही होती है तभी घोपला छिप कर देख रहा होता है। कल्लू ये देख लेता है और चिल्लाने लगता है। घोपला कहता है, मैं तो बस डालला साहब को हानि देने आया था। वो बच्चे को काफी दूध पिलाती है और उसे बहुत दर्द होता होगा। कल्लू गुस्सा था, वो कहता है, बस अब तुम यहाँ बहुत रह चुके हो और तुम्हारा सिर भी ठीक हो गया है, तुम अब जा सकते हो। ये बात घोपला को बुरा लगता है, फिर भी वो जाने के लिए निकलता है। और जाने से पहले वो कहता है, तुम लोगों ने मुझे इतना दिन अपने घर पर रखा, अब मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों भी मेरे सिर पर कुछ समय के लिए रहे, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। कल्लू को ये बात बेकार लगती है और डालला साहब तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों घोपला के साथ सिप पर चले जाते हैं। ये बच्चे के साथ सिप पर आ जाते हैं। अब रात हो चुका था इसलिए घोपला इन्हें आज की रात सिप पर रहने के लिए कहता है और कहता है, मेरे पास कुछ फिल्म है। फिर वो प्रोजेक्टर से एक फिल्म चालू करता है। डालला साहब आराम से फिल्म देखने लगती है, उसने कई साल से फिल्म नहीं देखी थी। ये लोग फिल्म देखते देखते सो जाते हैं। सुबह होते ही कल्लू की आँख खुलता है, वो देखता है कि ये घर से काफी दूर आ पहुँचे, इसलिए डालला साहब को आवाज लगाता है। तभी घोपला आकर कल्लू को एक सरिया से मारता है और कल्लू पानी में गिर जाता है। डालला साहब भी जग जाती है और वो भी कल्लू को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। और वो देखते हैं कि घोपला बच्चे को लेकर जा चुका है, जिसके कारण ये काफी दुखी होते हैं। दोनों वापस घर आते हैं। कल्लू बहुत गुस्सा था, डालला साहब भी काफी दुखी थी। वो हनी की डब्बा को तोड़ देती है और रोने लगती है। अब वो दोनों उनके बच्चे को ढूंढने के लिए अपना बोट ठीक करने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है घोपला के पास हनी था, यानी वो जहाँ कहीं भी रहता है उस जगह पर हनी मिलता है। अब वो बुक्स पढ़ने लगते हैं कि किस आइलैंड पर हनी मिलता है। उन्हें जल्दी पता चल जाता है और उस जगह के लिए निकल जाते हैं। कल्लू अपने साथ गन लेकर जाता है। उस जगह पहुँचने के बाद बच्चे की रोने की आवाज आता है। ये दोनों दौड़ कर जाते हैं और एक दीवार पर छिपकर देखने लगते हैं। तभी घोपला अंदर जा रहा था। डालला साहब उसे शूट करने के लिए कहती है और कल्लू कहता है, अगर इसके पास और कोई भी लोग हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो डालला साहब को बच्चे के पास जाने के लिए कहता है और वो घोपला को देखने लगता है। घोपला उनके बच्चे को लॉक करके रखा था। डालला साहब बहुत कोशिश करती है और उस ताला को तोड़ नहीं पाती। वो वापस कल्लू के पास आती है। तभी कल्लू उसे गन देता है और घोपला को देखने के लिए कहता है। फिर वो बच्चे के पास चला जाता है। उस समय रोकने के बाद डालला साहब बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है। तभी घोपला वहाँ आ जाता है और डालला साहब को पकड़ लेता है। फिर कल्लू को गन पॉइंट करता है। अब घोपला इन दोनों को बांध देता है और कहता है, मैं तुम दोनों के साथ अच्छा से रह रहा था और तुमने मुझे गुस्सा दिला दी, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। डालला साहब कहती है, तुम मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो, तुम जो चाहो वो कर लो। घोपला मान जाता है और कहता है, बच्चे तो दे दूंगा पर तुम उसे रुलाते रहना चाहिए और मेरे सामने ही दूध पिलाना चाहिए। इतना कहकर वो चाबी दे देता है। डालला साहब बच्चे को दूध पिलाने लगती है और घोपला उसे घूर घूर कर देखने लगता है, जो डालला साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घोपला वापस कल्लू के पास आता है। थोड़ी देर बाद डालला साहब बच्चे को लेकर भागने लगती है, जिसे घोपला देख लेता है। वो पहले कल्लू को मारता है, कल्लू बेहोश हो जाता है, फिर डालला साहब के पीछे करने लगता है। डालला साहब अब फोन पर बच्चे की रोने की आवाज रिकॉर्ड करती है और घोपला को चकमा दे देती है। फिर वो कल्लू के पास आती है। जल्दी घोपला बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। डालला साहब माफी मांगती है और घोपला बहुत गुस्सा था और डालला साहब के पैर पर गोली मार देता है। इस तरह कल्लू भी खुद को आजाद कर चुका था। वो घोपला के ऊपर हमला करता है, तभी डालला साहब के हाथ पर गन आ जाता है। वो घोपला को गोली मारती है, घोपला जख्मी हो जाता है और डालला साहब को भी वो नीचे गिरा देता है। तभी कल्लू और घोपला की लड़ाई होती है, जहाँ अंत में कल्लू एक सरिया से घोपला के ऊपर वार करता है और घोपला भी कल्लू को गोली मार देता है। घोपला की वहीं मौत हो जाता है। कल्लू अपने बेटे कल्लू दल को उठाता है और अंतिम बार किस करता है। फिर बच्चे को डालला साहब के हाथ पर देकर वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी भी मौत हो जाती है। डालला साहब उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब रात को वो कल्लू की लाश को समुद्र में बहा देती है। फिर कुछ साल के बाद
कल्लू दल बड़ा हो चुका था। डालना साहब उसे अपने पापा कल्लू की वीडियो दिखाती है और इसी के साथ मूवी की एंड हो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।